राम राम सभी को, गुड मॉर्निंग। आज है सेकंड डे, दूसरा दिन है और सब लोग नहा लिए हैं, बट दो तीन लोग रह चुके हैं तो वो नहा रहे हैं, रूम पे हैं। और मैं और सर्विस भाई जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन कराने, बस स्टैंड पे ही हो रहे थे रजिस्ट्रेशन, वहीं जाएंगे और टिकट भी वहीं से करेंगे, यहाँ से सोनपुर। कोई दिक्कत नहीं, फोटोकॉपी तो फोटोकॉपी मोबाइल में फोटो हाँ हो जाएगा। तो वहाँ जा रहे हैं और मतलब यहाँ की मॉर्निंग वाकई में गुड है, क्योंकि अच्छी वाइब जा रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो अच्छा लग रहा है, फीलिंग गुड। और वहाँ जाने के लिए तो देखो एक्साइटेड है ही, लग नहीं रहे क्योंकि सो के जागे हैं। बाकी आप चलते रहेंगे और दिखाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा सब कुछ आपको, यहाँ की सड़कें वड़कें सब कुछ, वादियाँ। सामने पहाड़ है जो कि दिख नहीं रहा है, वरना मैं आपको दिखा देता, फिर भी ट्राई करूँगा दिखाने का। देखो वो है सामने पहाड़, अभी ठीक से गया है, मतलब कोहरा वोरा यहाँ शायद धुंध धुंध की वजह से वो दिख नहीं रहा ठीक से, वरना ये है ऋषिकेश के पहाड़। अभी तो पहाड़ी पहाड़ आना है, कौन सा रे भाई। गाइस रजिस्ट्रेशन की भीड़ देखना है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। मेरे को लगता है यहाँ पे ही हमको एक से दो घंटे लग जाएंगे लाइन में, बट कोई नहीं, खड़े रहेंगे। रजिस्ट्रेशन तो देखो करवाना ज़रूरी है, हम करवा के तो लाए थे, बट वो थोड़ा आगे का था, 8-9-10 तारीख का था, तो वो शायद नहीं काम करेगा, इसलिए आज या कल का करवाएंगे और वेट करते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। गाइस हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं, बाकी हमारे जो 6 बंदे हैं वो भी करवा रहे हैं, और अभी उत्तराखंड की चाय वादियों के साथ पी रहे हैं, चाय पी के थोड़ा इंतज़ार करेंगे, वो बाहर आ जाएंगे, फिर हम देखेंगे बस बस का जो भी रूट होगा कितने क्या टाइम से है, फिर निकल लेंगे। ये टिकट लेंगे केदारनाथ के लिए, मैं और फिर से सर्विस भाई ही लगे हैं लाइन में, बाकी सब नहीं नहीं काटा हूँ, पागल है जो हमेशा हमारे साथ होता है, फिर से वही हुआ है, बिल्कुल एंड मोमेंट पे आके बस फुल, पता नहीं कितना टाइम वेट करना पड़ेगा, 1 घंटा 2 घंटा आई डोंट नो, वेट करेंगे सर भाई, खत्म है। हाँ गोलू भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं, इतनी दूर आए थे अपना घर छोड़ के कि कुछ ठंडा मिलेगा या कुछ वादियाँ मिलेंगी भाई, जैसे नहीं मिलेंगी वादियाँ मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, माहौल उधर का अच्छा है, सब बता रहे हैं कुछ ज़्यादा ही ठंड है, पर सबसे मेन बात बसें नहीं मिल रही भाई, बुकड है, मतलब हालत ख़राब है, देख रहे हो, देखो चेहरे से ही पता पड़ रहा होगा। अब प्राइवेट ही करनी पड़ेगी, गाइस बस आ चुकी है, टिकट विकेट हमने कटवा लिया है, अभी निकलेंगे और बता रहे हैं शाम के 7-6 बजे तक पहुंचेंगे वहाँ। रजिस्ट्रेशन कुछ इस प्रकार है, दिखाता हूँ। हाँ रजिस्ट्रेशन देखो, मतलब जैसे अपन वाटर पार्क में जाते हैं ना वैसा, और आओ तो पहले ही करा लेना वहाँ से, और सुबह की बस है 5 बजे से रहती है 6 बजे तक, जल्दी करवाना सुबह तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 5-6 बजे बस निकल जाती है, फिर दिन में वही धूप है नहीं है कुछ भी हो सकता है, फिर तो आपको सिर्फ वादियाँ मिलेंगी, वादियाँ दिखाएंगे, बात थोड़ा कम कर पाएंगे, दर्शन के लिए ये दिया गया है। हाँ बता दी, दोस्तों जाने से पहले थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं, जरूरी है, लंबा सफर है, 6-7 घंटे का सफर, जाए नहीं, क्या खाओगे गोविंदा भाई, क्या खाना है आपको, पहाड़ों की मैगी खाओगे? नहीं, पहाड़ों की मैगी नहीं, यहाँ का सुना है पनाटा बहुत बड़ा फेमस है, बहुत क्या बोला तूने, बड़ा फेमस है, बहुत बड़ा फेमस है, बड़ा फेमस है, तो खाते हैं, और बस लग चुकी है हमारी, बस सीट फुल होके निकल ले। टेस्टी खाना था ना, मजा आ गया, सोच के गए थे कम खाएं, बट वहाँ जाके 1-2 एक्स्ट्रा खिल गए, हरी चटनी तो एक नंबर थी, क्योंकि उसमें दही डरा था। नहीं अच्छा था खाना, अच्छा लगी। अब चलते हैं, बैठते हैं अपनी बस में अपनी सीट पे और दिखाते रहेंगे नज़ारे आपको भी दिखाते रहेंगे। 1 hour later
फाइनली चल गई है हमारी बस और हमको राहत भी मिल रही है। पसीना पसीना हो गया देखो भैया, बहुत हालत खराब हुई गई। ये बाकी लोग इधर बैठे हैं अपने, बाकी मैं और अजीत इधर की साइड बैठे हैं विंडो पे। विंडो पे इसलिए बैठे क्योंकि ना जो नेचर लोगों को बाहर का नज़ारा दिखा देंगे बस। अपन सबको देख रहे थे जाते हुए, अब अपन को जाने बड़ी खुशी मिल रही है। कैसा लग रहा है टिकट मिल गई? बहुत मजा मिल गई, आनंद। भाई भाई थोड़ा, अरे भाई भाई कुछ नहीं है, बोल ले यार, आवाज अच्छी। ब्लॉगर भाई शीशा टूट चुका है, वो देखो ड्राइवर कहीं जा रहा है, ऐसे घूम के ले रहा है। गर्मी इतनी पड़ रही है, सोलनी हो गया, सब शीशा लाल है भाई। क्या मुझे बोल रहे हैं गाइस, गाड़ी का शीशा चुट गया, इसलिए थोड़ा टाइम रुको, थोड़ा टाइम फिर चलेंगे। गर्मी बहुत है यार, बाबा हम तो नहीं मानेंगे। जस्टिन ब्रो क्या कह रहे हैं बोलो। हाँ भाई जाने फिर केदारनाथ क्या कह रहे हो? आप पकौड़ियाँ खा ले चक, हाँ पट्टाया मिले अगले गुट ती बन समझ नहीं आई। खाए सर भी तो ये आखिया हो गया। अरे यार क्या बोल रहा है यार, खुल गई भाई, नागिन बना दी, नागिन नागिन बना दी। पार से आ रहा है पानी, ठंडा भी होता है पानी। गाइस ये सीधा पार से पानी आ रहा है और ना फ्रीजर फेल कर दिया। गाइस एक स्टॉप लिया है जहाँ पे हमने मस्त जो पानी वानी पिया, खीरे वीरे खाए और अब देखते हैं कुछ लोगों को भूख लग रही है तो वो कुछ खा लेंगे, वरना यहाँ का मतलब व्यू है ना एक नंबर है। मतलब थोड़ी गर्मी है, कोर्स दिन है तो गर्मी तो होगी यार, काम पड़ रही है थोड़ी बहुत तो रहेगी ना, बट कुछ नहीं है। हाँ जहाँ सर्दी स्टार्ट होती है वहाँ भी पहुँचे कहाँ हैं? पहुँच ही नहीं अभी देखो, बट ठीक है मौसम अच्छा है, देखते हैं अपने लोगों को कहाँ है। सफ़र फिर से चालू हो चुका है और फिर से यहाँ से 160 रह चुका है, 160 किलोमीटर यहाँ से रह चुका है। फिर उसके बाद देवप्रयाग आ जाएगा, फिर वहाँ पे बस छोड़ना पड़ेगी और वहाँ से जाना पड़ेगा गौरीकुंड। वहाँ से गौरीकुंड किससे जानी? टेम्पो टेम्पो
एक और स्टॉप लिया हमने। भाई नाम तो बता यार। मेरा बस मेरा नाम उदय है, जल्दी मिलेंगे भाई से, मुलाकात करके। भाई पंजाब से हैं और अच्छा ब्लॉग बनाता है भाई मेरा। थैंक यू सो मच। इसको सब्सक्राइब करो ब्रो, थैंक यू। कल को कैरी मराठी को फेल करना चाहिए भाई। इसकी चैनल को सब्सक्राइब होगा। पॉइंट है भाई, पॉइंट है बाद में। ये देखो गाइस, बाकी आप वादियां तो देख ही चुके हो अभी, मैंने इतनी सारी दिखाई दी। और ना मौसम यहाँ के ठंडा हो चुका है, शाम हो गई है इसलिए भी, और नदी है इसलिए भी सारे देख सकता है। तो अभी चलते हैं भाई, फ्रूटी व्रूटी पियेंगे। हाँ देखो क्या अपन गमछा क्यों डाले हो ऐसे मत यार। ये तो मत आया 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 इस पहाड़ की चाय। सब लोग चाय के लिए रुके थे और चाय पी रहे हैं। हाँ पहाड़ी चाय, ये लोग भी हैं साथ में। विरान मुंडे ए काले मुंडे ए भाई तू भी गाना मुझे वाला। हाँ सिद्ध मुझे वाला लगा। हाँ ला लिया चल नन्नो। भाई गाने सुनो भाई ये। और चालू हो ना ब्रो। सही बात है, सही बात है। चुटते बना दी है मंडीर कर दी। स्पीकर आवाज छोड़ रहा है। पता लगूंगा। सही बात है भैया, नीचे वाले लोग हैं उनका ही है। क्या ओके ओके थक गया भाई रेस्ट। गाइस हमको आधा किलोमीटर पहले उतार दिया है गौरीकुंड से, ओ सॉरी सोनप्रयाग से। यहाँ से टैक्सी देखेंगे गौरीकुंड के लिए मिलेगी तो। हाँ भाई सर्विस की तरफ करें यार, बहुत अरे यार इसको भी फोकस। अपने साथ ही आ रहे सब लोग। चिकनी चमेली छुपके आई। देखो पार्किंग देख रहे हो आप, इस टाइम यहाँ पे ज़्यादा रश हो रहा है, तो देखते हैं हाँ ऊपर का क्या हाल होगा। भाइयो कैसा लग रहा है, सपना सच होने जा रहा है, देखो कोई नहीं बोल रहा। गाइस रूम तो अभी मिल भी नहीं रहे हैं। ओ गाइस रूम तो मुश्किल ही से मिल रहे हैं। ये देखो सब ढूंढने जा रहे हैं भाई। इसके किचर पक्के किचर मस्त है। हमने गवा लिए थे तो कम है भाई, बहुत गर्मी है उधर, इसीलिए तो आए। दिमाग खराब कर दिया था गर्मी ने, हम इधर आ गए। खाना खाने आए।